हाय एवरीवन, वेलकम टू माई टेक्निकल का माई न्यूज़ 12। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कई सारे न्यूज़ आउटलेट में पब्लिश किया जा रहा है। इन हेडलाइंस आप देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण का एक आर्टिकल है जिसमें इन्होंने हेडलाइन में लिखा है कि JBCCI 11 में 50% की जाएगी वेतन वृद्धि, यानी 50% जो है वेतन में वृद्धि की जाएगी। तो आखिरकार ये जो वेतन वृद्धि है वो किस लिए है, ठीक है, क्या कारण है, जो ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स में ये जो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो जानेंगे सब कुछ। ये जो न्यूज है ये रिलेटेड है नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट से। जैसा कि आपको बताई है कि 30 जून को ऑलरेडी नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट जो 10th है उसकी एक्सपायरी हो चुकी है, तो नए जो कोल वेज एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मीटिंग है वो की गई है। तो क्या है मीटिंग, किसने ऑर्गेनाइज की, इसमें क्या हुआ, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। बट जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें माइंड टेक्निकल एंड डाउनलोड कर ले हमारा ऐप, जहां पर आपको इस वीडियो की तो PDF मिलेगी, प्लस उसमें वीडियो, स्टडी मटेरियल्स एंड क्विजेस भी मिल सकता है। अब देख सकते हैं ये है यहाँ पे न्यूज। ये जो मीटिंग की गई है ना, ये मीटिंग यूनियंस के द्वारा की गई है, जो सेंट्रल यूनियंस हैं उनके द्वारा की है गई है। और ये जो मीटिंग है, ठीक है, वो नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11 के लिए यहाँ पे की गई है। तो जानेंगे कि आखिरकार ये मीटिंग जो है वो अभी क्यों की गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि इससे पहले वाली जो मीटिंग थी, ठीक है, यूनियंस की विथ कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी 29 मई 2021 को, वहाँ पर एक डेडलाइन जारी किया गया था कि फर्स्ट जो मीटिंग होगी JBCCI की वो 15 जून तक कम्प्लीट हो जानी है। तो इसी के लिए कि जो हमारा डिसीजन है, ठीक है, सभी यूनियंस का यूनिफॉर्म हो, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी डिमांड्स हैं, वो एक यूनिफॉर्म तरीके से JBCCI मीटिंग में प्रेजेंट कर सके, तो उसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है बहुत कम टाइम में यहाँ पे उसको कर लिया जाए, एक कॉमन चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स, ठीक है, वो बना लिया जाए, और ये जो नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट है उसको सबसे अर्लीस्ट टाइम में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इस कारण से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। अभी जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो मीटिंग है वो कहाँ की गई थी। तो आप देख सकते हैं ये जो मीटिंग है ना वो वेबिनार के थ्रू हुई थी, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से इस मीटिंग को कंडक्ट कराया गया था। और अगर हम लोग बात करते हैं कि इस मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे 4 सेंट्रल यूनियंस जो हैं, BMS, HMS, C2N, ATAC के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, हर यूनियन से 5 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पर इंटक से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। मीटिंग जो है वो BMS के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। और अगर हम लोग बात करते हैं कि माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग क्या था, यानी मीटिंग में क्या निकल कर सामने आया, तो देखिए यहाँ पे एक कॉमन चार्टर्ड ऑफ डिमांड निकल कर आया है कि जो सभी यूनियंस है वो एग्री हुए हैं कि जो एक कॉमन जो डिमांड है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने उनका ये भी कहना है कि जो यूनियंस है, सभी यूनियन जो हैं, जो सेंट्रल यूनियंस हैं, वो 10 जून तक, ठीक है, इस चार्टर्ड ऑफ डिमांड को साइन करके कोल इंडिया लिमिटेड को भेजेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। अगर हम लोग बात करते हैं चार्टर्ड ऑफ डिमांड की, तो बहुत सारे चार्टर्ड ऑफ डिमांड यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब देख सकते हैं, देखिए जो जितनी भी आर्टिकल्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे जो आइटम्स हैं आप देख सकते हैं, ये सभी के सभी न्यूज में कवर किया गया है, ठीक है, न्यूज कवर में जो न्यूज में जो मेंशन किया गया था वही मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं जो एनुअल रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो 6% होगा, ठीक है, ऑफ बेसिक अंडरग्राउंड अलाउंस 30%, किसी किसी आर्टिकल में 25% भी आपको मिलेगा ऑफ द बेसिक। कोलफील्ड अलाउंस जो है वो 10% ऑफ बेसिक करने का यहाँ पे डिमांड किया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो टू व्हीलर्स के लिए 10% और 4 व्हीलर्स के लिए 20% की डिमांड की गई है। चार्ज अलाउंस जो कि सुपरवाइजर्स के लिए होता है, ज़्यादातर सरदार ओवरमैन के लिए होता है, वो जो चार्ज अलाउंस है अब 8 फुल अटेंडेंस पर मंथ, यानी एक महीने का जो 8 दिन का जो फुल अटेंडेंस होगा उसके बराबर चार्ज अलाउंस दिया जाएगा। नाइट अलाउंस में 5% ऑफ बेसिक यहाँ पे डिमांड किया गया है। सर्विस वेटेज एग्रीमेंट जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो जो वैसे एरिया जो कि नोटिफाइड एरिया के बाहर आते हैं उनको 10% ऑफ बेसिक दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्पेशल अलाउंस है वो यहाँ पे 10% कर दी गई है या करने की मांग की गई है। पारामेडिकल या फिर नर्सिंग अलाउंस जो है वो 5% ऑफ बेसिक होगी, ठीक है, यहाँ पे ये सब डिमांड की गई है, ठीक है, ये एक्चुअल में है नहीं, डिमांड की गई है। इसके अलावा वॉशिंग जो अलाउंस है वो 5% ऑफ बेसिक के लिए डिमांड की गई है। इसके अलावा जो LTC है और जो LLTC है
वो रिस्पेक्टिवली 50,000 एंड 75,000 रखी गई है भारत भ्रमण वगैरह, ठीक है, जो होता है ना उसके लिए। नेक्स्ट है एक्स ग्रेट या कंपनसेशन, यानी दुर्घटना हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके इसमें 1.5 लाख रुपया का यहाँ पे डिमांड रखा गया है। उसके अलावा स्पेशल एक्स ग्रेट यानी ड्यूटी के दौरान यानी एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें फेटल एक्सीडेंट हो जाता है या पेंडेमिक या के कारण अगर डेथ हो जाता है तो उसके इसमें 50 लाख की यहाँ पे डिमांड की गई है। तो ये सब जो है वो तो चार्टर्ड ऑफ डिमांड है। इसके अलावा भी कुछ डिमांड्स हैं जैसे कि लीव को लेकर भी यहाँ पे डिमांड है, सी कैजुअल लीव जो है वो 15 कर दी जाए पर ईयर, सिक लीव 20 मिले, ईएल यानी अर्न लीव जो है वो अंडरग्राउंड के केस में हर 12 दिन पे एक छुट्टी मिले ईएल की, और सरफेस और ओपन कास्ट माइंस के लिए हर 15 दिन के ड्यूटी पे एक यहाँ पे ईएल मिले। इसके अलावा कुछ नए अलाउंसेस का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है, जैसे कि रेडिएशन अलाउंस जो कि 5% होगा, बेसिक यूनिफॉर्म अलाउंस फॉर नर्सेस ईएल मिलेगा 21,200 पर ईयर। इसके अलावा और कई सारे मुद्दों पर भी चर्चा की गई जैसे कि रेस्क्यू अलाउंस, डस्ट अलाउंस एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे डिमांड्स किए गए हैं, काफ़ी जो डिमांड्स हैं काफ़ी हाई डिमांड्स है। अब देखना होगा कि क्या ये जो डिमांड्स हैं वो आखिरकार फुलफिल हो पाती है या नहीं हो पाती, हो तो टाइम ही बताएगा। पर आपका क्या मानना है, ठीक है, आपका क्या मानना है कि क्या आपको लगता है कि ये जो डिमांड्स उसको पूरा कर लिया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए, नहीं है तो फिर भी आप कमेंट बता सकते हैं। मीनवाइल अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें हमारे फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट एंड ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही माइनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद जय भारत।